Hello friends, in today's lecture we will be seeing top 5 MCQs on mirror images type 2 part 2. We have already seen the part 2 and type 1 of this topic, so now it is the time for the part 2 and type 2. So let us start with the MCQs. So students, agar main first MCQ ko dekhu to mujhe ek leaf like structure diya gaya hai and I'm having a shaded circle on the right hand side. So let me go for the solution. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं शेडेड सर्कल से. जो शेडेड सर्कल राइट हैंड साइड पे था वो आएगा लेफ्ट की तरफ जब मैं उसका मिरर इमेज बनाऊंगा तब. अब मैं जाऊंगा लीफ की तरफ. अगर हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे स्टूडेंट्स तो मुझे ये पता है कि द सर्कल विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज जस्ट इन द ऑप्शन ए. इफ यू लुक एट ऑप्शन बी सी एंड डी we are getting the circle on the right hand side either on the top or either on the bottom. So without going any further we can definitely say that the answer to this question will be option A. Now let us go for the next MCQ. The cube has been marked with two dots, one dot and a triangle. So let me draw the solution. So students, agar main front face ki baat karu, जो फ्रंट फेस है वहां पे हमें एक ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है. बट यही ट्रायंगल इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. अगर जो हम स्क्वायर की बात करें वो थोड़ा सा लेफ्ट के तौर पे झुका हुआ है. तो जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे जो साइड लेफ्ट की तरफ झुका हुआ वो होगा राइट की तरफ, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे हम उसे. तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं. अब हम देखते हैं दो डॉट्स को. दो डॉट्स जो राइट हैंड साइड पे थे वो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड के तौर पे आ जाएंगे. तो यही वाला पैटर्न स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में बनते हुए दिखाई दे रहा है. द क्यूब इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. पर स्टूडेंट्स अगर मैं ध्यान से देखूं जो फ्रंट फेस पे जो एक ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सी में उल्टा बनते हुए दिखाई दे रहा है. So I can definitely say from the experience that the answer to this question will be option C. Now let me go for the next MCQ students. यहाँ पे एक number 6 बनते हुए दिखाई दे रहा है. So let me draw the figure. तो मुझे कुछ ऐसा वाला फिगर जो है वो ऑप्शन बी में बनते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है. सो आई कैन से दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. नाउ लेट अस गो फॉर वन कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू. इन दिस वी हैव बीन गिवन अ सर्कल हैविंग सम डिविजन्स एंड सम शेड्स. सो लेट मी ड्रॉ द सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें जो राइट हैंड साइड पे एक डार्क शेडेड वाला एरिया है वो राइट हैंड साइड पे है. सो इफ यू गो फॉर द मिरर इमेज दैट साइड शुड कम ऑन द लेफ्ट पार्ट. सो इफ यू लुक एट सच काइंड ऑफ फॉर्मेशन, अगर हम इसी तौर पे कोई भी फॉर्मेशन देखें तो मुझे ये पता है कि द आंसर शुड ईदर बी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी. सो आई नीड अ क्लियर केस कन्फर्मेशन. सो लेट मी गो फॉर द फर्दर पैटर्न्स. तो अगर हम दूसरे पैटर्न्स पे जाए जो मैं शेडेड की बात कर रहा हूँ, जो मैं शेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ क्लियर केस कन्फर्मेशन. वाई इज़ दैट? बिकॉज द डिज़ाइंस विच आर ऑन द लेफ्ट आर सेम ऑन द राइट फॉर ऑप्शंस बी एंड ऑप्शंस डी एज वेल. सो आई नीड वन मोर कन्फर्मेशन फॉर दिस. सो लेट मी गो इनसाइड द सर्कल एंड लेट मी गो फॉर द सेमी सर्कल एंड अ ट्राइंगल. सो वी विल हैव अ डिविजन एज यूजुअल. Now let us go for the small triangle. The small triangle which was pointing towards the top left, when we go for the mirror image it goes for the top right. So it looks somewhat like this. So if you look at options B and option D we can definitely say that the answer to this question will be option D. And now for the last MCQ. Here we have been given a square and we are having two circles with some intersection. So let me go for the two circles first and draw and give it to you as a solution.
सो स्टूडेंट्स, अगर मैं सर्कल्स की बात करूं, जो राइट वाला सर्कल है विच इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द इमेज विल कम ऑन द लेफ्ट साइड व्हेन आई एम ड्रॉइंग द सॉल्यूशन. सो वी गो फॉर द स्मॉल ट्राइंगल फर्स्ट एंड ड्रॉ इट डाउन. देन द सेमी सर्कल विच वॉज एट द राइट एंड बॉटम विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लेट मी गो फॉर द क्लियर केस कन्फर्मेशन. And if I go for it, I can definitely say that the circle which was on the left will come on the right hand side. So from the diagram, we can definitely say the answer to this question will be option B. Thank you for watching this video. Stay tuned to Informatica and please do subscribe my channel.